दंगे जान बुझ के करवाना चाहते ने नीत दे लंगे जी वैशी पुणे की हद है कल चंगी तरह हो चुके ने समाज विच नंगे जी पर बेशर्मी की हद देख लो कल तीन चार किसानों उत्ते गड्डी चाड़ दिती है उस तो बाद फिर बयान आते हैं कि काले कानून ने चंगे जी काले कानून ने चंगे जी भी बत्ती नवांशहर देख रहे हो मैं दिनेश सूरी तुसी शेयर तो अंदाजा ला लेंगे वीडियो किस बाबत होने वाली है इस वक्त इस समय नवांशहर के डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने मौजूद हैं जिते सुबह तो धरना प्रदर्शन हो रहा है कल के कारे नूं लैके उन्हों कारा ही कहांगे घटनाक्रम नहीं क्योंकि कारा इसलिए भी है कि जिस मंत्री दे गुंडे ने सॉरी मंत्री दे मुंडे ने गड्डी चढ़ाई है उन्होंने पहला भी बयान दिता सी कि नैक्सट टाइम जे मेरे नाल कितने टाकरे होंदे ने तां माहौल कुछ होर होवेगा सो मंग पत्र जिहड़ा वो लै लिया गया तो तस्वीरां तुसीं इक वारी देख लो ये डीसी ऑफिस के बिल्कुल सामने धरना लग्या होया और रोस एरो तिखा हो रहा दिनों दिन क्योंकि जदों किसानों के उत्ते गड्डी चाड़ दी जाती है फिर मन विच दुख तकलीफ मन विच तकलीफ तो होंदी है और गड्डी चढ़ाउणी राज करे सरकार लाण चाहो जे गड्डी चढ़ाउणी इन्नी सखाली नहीं हुंदी मन विच तुहाडे बहुत वड्डी दुश्मनी होनी चाहीदी तां ही किसे ते गड्डी चढ़दी क्योंकि आम ड्राइवर तां किसे कुत्ते बिल्ले ते गड्डी चढ़ाउण तों पहलां 100 वार सोचदा कि यार कोई मूहरे आवे ही ना पर कल गड्डी जिहड़ी चढ़ाई गई है चार किसान उन्हां दी मौत होई है शहीद होए ने चार किसान वो बहुत वड्डा घटनाक्रम है बहुत वड्डा कारा और पहला भी इसे मंत्री दे मुंडे दा बयान भी आया सी कि तीन चार दिन पहला कि जब मेरे किसानों नाल टाकरे होणगे तां हालात कुछ होर होणगे और जिहड़े हालात कल हो गए ने उस तो बाद हुणे टिप्पणियां आंदियां ने कि वह तो मौके पर मौजूद ही नहीं सी जे मौके पर मौजूद नहीं सी तां फिर इंटरनेट सुविधा बंद क्यों कर दी गई जैमर क्यों लगा दिते गए नैट बंद क्यों कर दिता गया क्योंकि हाले तक कोई वीडियो सामने नहीं आ जी तो पूर्ण तौर पर स्पष्ट हो जाए कि मंत्री का मुंडा उस घटना वाली जगह पर मौजूद सी कि नहीं सी हालांकि इस तो बाद मनोहर लाल खट्टर का भी एक बयान कल उसके बारे भी चर्चा करते हुए भी है कि मनोहर लाल खट्टर कहता कि हर एक जिले में बीजेपी को लठ गैंग चाहिए आ कि चाहते की ने हालात की बनाना चाहते हैं ये वड्डा सवाल है किसानी अंदोलन की खूबसूरत गल ये भी है कि अज तक कदे भी यही कोई भी इदा का बयान नहीं है जिद किया गया हो चक देंगे मार देंगे देख लेंगे इदा के बयान हमेशा बीजेपी पार्टी करती है और कदे भी किसानों ने यह नहीं किया गुस्से में कि असी हुण जदों आऊंगे तो विरोध करांगे पथराव करांगे लेकिन हमेशा ही जिहड़ियां पार्टियां कुर्सी पर बैठिया सरकारां जिहड़ियां बैठिया उन्हां दे बयान ही इदा दे आंदे आ क्यों मजबूर किया जाता डिस्प्यूट नूं क्यों क्रिएट किया जाता ज़्यादा बापू जी अज का जिहड़ा रोस प्रदर्शन है आपां धरना लाया होया कल जिहड़ा घटनाक्रम होया घटनाक्रम तो घट कहिंदे आ मंत्री का जिहड़ा गुंडा आई एम सॉरी मुंडा मूँह चो हुण गुंडा ही निकलता जो हरकत की है उहदे उत्ते हर एक बंदा जिहड़ा आ जो किसान शहीद होंदे ने हंजू बहाउंदा पर जो उन्हां वल्लों इहदी हरकत की जाती है तो खून भी खौलदा की कहना जो कल शाम की माड़ी हरकत भाजपा के लीडर ने की आनी कह लो भी बहुत ही दिल में झुंझोड़ के रखने वाली आ इन्हों इस गल का थोड़ा जहा विचार चाहिए भी जिहड़े असी साल तो 13वां महीना चढ़ पिया संघर्ष लड़ते लोगों उन्होंने सड़कों से लिया घर चो कढ के साधु जिहड़ा सियासत करन लग पिया लोग तो सब जो साधु बनते सब कुछ त्याग देंगे दे सब कुछ खोण की कोशिश कर रहा है ये साधु नहीं है ये गुंडे भावे पाके उपरों साधु अंदरों जो बंगले आ बंगले ये बंगले साधु है असली जो साधु है उन्होंने दिखावे की लड़ नहीं मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लठ गैंग तैयार करो कले कले जिले च जान बुझ के टकराव की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है देखो जी सरकार है ना ये सरकार आप तो गुंडे आ लोगों भले मानसा जी शांतमई अंदोलन लड़ते आ किसान मजदूर सारा ही भाईचारा उन्होंने शांतमई इन्हों चुभदा आ ये कहते भी अंदोलन हिंसक करो हिंसक होने नफे च आ जे आप हरते हैं जिन्हें अंदोलनकारी आ संयुक्त मोर्चा जो कहता है भी जे आप हिंसक होंगे तो आप हरते हिंसक न चलो कोई गल नहीं जा गुरु साहब ने साड़ियां ने
आखिर फिर तलवार चक्की फिर इन्हों भी पता लग जाऊ पर हजे हाथ बंद एड्डा कारा हो गया। उस तो बाद भी संयुक्त किसान मोर्चे तो हमेशा यही कॉल आती है थ्रम्मे च रहना सबर ना रहना शांतिपूर्वक ही रहना उदे ते की कहोगे? हाले तक असं थ्रम्मे नाल ही हाँ पर जिस तरह का खट्टर साहब ने बयान दिता या अपने योगी सरकार ने साडे नाल कीता किसान साडे ते अठ किसान साडे मार गया 15-20 जख्मी आ उस हिसाब दे नाल सानूं इहनां लगदा नहीं हैगा थ्रम्मे नाल रहण देना पर फिर भी असं राज्यपाल दे कहण दे तौर ते जिदा राज्यपाल ने सानूं हुक्म किया कि डीसी दफ्तर जाओ असं डीसी दफ्तर आ गए जो कहणगे शांतमाई रहो असं शांतमाई भी रहांगे। हाले साडे विच इन्ना सबर हैगा हाले कोई सबर की कमी नहीं हैगी सबर नूं परखिया जा रहा पर सबर है सबर कित नहीं चला सबर हमेशा असी कोल रखांगे। लेकिन जदों हुण खबरां विच देखदे आ कि उत्थे इह कहा जांदा कि कुछ शरारती अंसर आ गए गुंडिया ने आके लीडर की गड्डी पलटाती गड्डी आपे ही तो नहीं पलटाती गड्डी पहला बेचा के बजी आ उस तो बाद पलटाई गई है उहदे तुसीं की कहोगे? बिल्कुल जिहड़ियां सरकारां आ ये लोगों नाल धोखा कर दिया आ लोगों नूं इस गल की समझ नहीं है कि जो भी ये कर रही है ये सारा अपने लोगों नूं समझ नहीं है कि जिहड़े सपोर्टर ने मोदी सरकार दे उन्होंने समझ नहीं आ रही क्योंकि आम लोग नूं तां समझ आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल जिहड़े उहदे सपोर्टर है ना उन्होंने समझ नहीं है कि उहदे विच जिहड़े होर भी लोग इस विच आ जांदे आ साडे लोग ते उस गल नूं जिहड़ा समझदे नहीं हैगे पर ये जिहड़ियां सरकारां आ ये लोक पक्षी नहीं हैगी ये बिल्कुल गुंडिया सरकार आ इन्हों का किरदार जोड़ा आ बिल्कुल गुंडिया वाला आ जो वह जोगी भी कहता आ अपने खट्टड़ भी कहता आ लठ तैयार करो वो सानू हिंसक करना चाहता आ पर असी शांतमई शुरुआत कौन कर रहा ये सब समझ लेना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल जो सरकार आ इस गल पिछे ही आई तरह भी हिंसक हो जाए सरकार सानू भड़काने की कोशिश कर रही तो साढ़े लोग बड़े समझदार है तो वो लोग बड़े थ्रम्मे दे नाल लड़ाई लड़ रहे हैं आपे लड़ते रहेंगे पिछे नहीं हट के जित के हटांगे बिल्कुल पिछे नहीं मुड़ते सरकार जो मर्जी करी जान सानू पता आ भी सरकार जो साडिया नहीं है सरकार के किरदार यही आ भी हमेशा लोगों को लुटना पुटने का काम है इन्हों का भड़काने का काम है। भाई जी ने भी बुला दो भाई जी कहते हारते नहीं खड़े हैं डट के खड़े हैं पर सरकार भड़काने का काम ना कर मसला सुलझाने का काम कर। बिल्कुल जी असं जिदा भी संयुक्त मोर्चे ने अभी बिल्कुल उन्होंने खड़े हैं असं मोदी सरकार तो हारन वाले भी है नहीं असं डरन वाले भी नहीं है ये साडे सबर का इम्तिहान लै रही सरकार जदों अपना किसान सबर जरा बन टुट गया किसानों का ये इस बन हारन रोक नहीं सकती सरकार फिर असं यही हाथ जुड़ के अपील करते सरकार भी साडा जो सबर आ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਲਤ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਰੱਖਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੜੀ ਜਾਣ ਇਹ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਦੇ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਇੱਕ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਤਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੂਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾ ਦੀ? ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ
वो एक इदा का हिटलर का ही चेहरा आ और जोड़ा चेहरा आ बिल्कुल अपना जोड़ा आ मन की गल सुनानी चाहते अपना जोड़ा राज अपने हिंदू राज जो साढ़े तक ठोसना चाहती आ और अपने हिसाब के नाल लोकहितैषी कोई लोक हितों के कोई सरोकार नहीं है और इस करके जो कल भी जोड़ा आ लोग अपने घर जा रहे थे मुड़ के अपना घोल लड़ के घर जा रहे थे जान बुझ के तुम खबर सुनिए खबर की है अंदोलनकारियों ने अंदोलन जीवियों ने उनकी कार पलटा दी रोड़े मार दिए फलाना ढीमका कर दिता ये बिल्कुल करन दी गल्लां आ और सारा कुछ सामने आ कार जी पलटी आ वो लोगों मार के भज रहे थे और भजन लगे ने कार जी पलटी आ बिल्कुल किसी लोगों ने नहीं कल मंत्री साहब कहते उन्होंने गुंडा सॉरी फिर गुंडा निकल गया उन्होंने मुंडा वह कहते मेरा मुंडा तो जगह तो सिगा ही नहीं मौजूद ही नहीं देखो वो गुंडे ही आ जो थोड़े मूँह चो निकलिया है वह गुंडे ही वह गुंडागर्दी करते इस करके जो आम लोगों ने कतल हो रहे हैं जे वो गुंडे ना होण तां आम लोगों के जिहड़े जिहड़े लोग संघर्षले लड़ रहे आ लोगों के कोल कोई बंब बंदूक नहीं हैगी लोग अपना झंडा ते डंडा लैके जिहड़ा संघर्ष कर रहे और अपनी हकी मंगा मंग रहे आ और लंबे समय तो सड़कों ते शांतमई बैठे आ और 700 शहीदी हो जानी छोटी जी गल नहीं कल एड्डी वड्डी घटना वापरी आ लोगों ने फिर भी अपने मन च शांति रखी और नहीं तो बहुत वड्डा कुछ हो सकता सीगा उत्थे और ये गुंडागर्दी आ बिल्कुल मोदी सरकार की मास्टर जी आज तक किसानों ने कभी नहीं किया कि दंगे करा देंगे कुट देंगे मार देंगे गड्डी चढ़ा देंगे हमेशा इदा के बयान उधरले पासों ही आते जिन्होंने कानून रद्द करने आ जिहड़ी गौरमेंट है गौरमेंट का काम आ जिहड़े आ बैठे ने इन्हां दी मुसीबतां ते मिंट मिंट ते गौर करना पर गौर उन्होंने सिर्फ दो कारपोरेट घराणे वाले ही है बिल्कुल जिहड़ा हैगा इह लोकां दी गौरमेंट नहीं असीं बड़े लंबे समय तो कहिंदे आ जे 700 किसान शहीद हो जांदे आ कल भी लखीमपुर खेड़ी के चार जिहड़ा 8 किसान लगभग शहीद हो गए आ तो उन्होंने उत्ते प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट ना आना तो यह लोगों का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता यह कारपोरेटा की सरकार है उल्टा बचाने की कोशिश की बिल्कुल उन्होंने बचाने की कोशिश कर रहे आने बहाने घड़न की कोशिश कर रहे हैं जे लोगों का ही सरकार हो हुण तक जिहड़ा अरुण मिश्रा है उन्होंने बर्खास्त किया हुंदा उहदे मुंडे नूं जिहड़ा हैगा जेल च सुट्टिया हुंदा जे साडे लोग किसी कोलों जिहड़ा हैगा झरीट भी किसी के लग जाए तो पुलिस वाले जिहड़े हैगे 2 मिनट लाने अंदर समझाओ देखो हुण उत्थे वीडियो नहीं किते आ जा रही स्पष्ट नहीं हो रहा कि मंत्री का मुंडा गड्डी विच सीगा कि नहीं क्योंकि उन्होंने जो इंटरनेट सेवावां ही बंद कर दित्तियां जे सच्चे सुच्चे आ तो इंटरनेट सेवावां बंद करने की जरूरत की है बिल्कुल नहीं बंद करनियां चाहीदियां जे डेमोक्रेसी है इत्थे कोई हर बंदे नूं अपने विचार जिहड़ा रखण दा हक है उत्थों दे लोक भी जिहड़ा जिन्हें जिहड़े उत्थे जिहड़े चश्मदीद गवाह है उन्हां नूं अपने विचार पेश करन देण ओह दुनिया नूं पता लगना चाहीदा सारा कुछ ये 2 मीटर नहीं लगते हैं सारे दफा चाली ला आते हैं ये गुंडागर्दी है सर शरेआम कोई जो है डेमोक्रेसी नहीं है हिंदुस्तान के घटना के कार आया ये बिल्कुल कार आया क्योंकि लोग अपना प्रोग्राम खत्म करने तो बाद अपने घर मुड़ रहे उदू बाद जोड़ा है एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें गुंडिया ने उन्होंने उपर अपनी गड्डी चढ़ाई उन्होंने सबक सिखाने लिए पर जोड़ा है भुलेखा रखते हैं भी ये दंगे असी करवा के इदा यूपी दोणा जित लड़िया ये दंगे नहीं है ये जोड़ा है सीधे तौर पर जोड़ा है कर्म है जोड़ा है किया गया ये कोई हिंदू सिखा का दंगा तो नहीं है मंत्री के मुंडे का पहला भी बयान आता 4-5 दिन पहला ही बयान आया जे मैं मौके पर मौजूद हाँ तो हालात कुछ होर होने की लगता नहीं हालात कुछ होर बनाते ये तो सारे इन्होंने मुख्यमंत्री तक आ जोड़ा खट्टड़ है ये जोड़ा है 20 बार बयान दे चुकया भी ये गुंडे है बिल्कुल गैंग बनाओ हर जिले च हाँ जी हाँ जी सो इस करके जोड़ा है ये गुंडे है ये इन्हों का मुकाबला इसे ढंग देना होएगा जे इदा समझते भी इदा यूपी चोणा जितिया जानिया हूँ किसानों के नाल पंगा पिया अन्नदाते नाल पंगा पिया बंदे दे पुत बना के रख देंगे सब कुछ सिखा के रखेंगे राष्ट्रपति शासन लाने की भी गल करते हैं वो की कहूँ कुछ कर लैन राष्ट्र अगे कि इतने कोई जोड़ा है कोई राज डेमोक्रेसी आ इतें भी असं जोड़ा है एक दिन अंगद सिंह जोड़ा है कोठी से धरना देना सगा उत्थे SP साहब डी जोड़ा है तो DSP साहब बैरीकेड ला के खड़े से असी तो सिर्फ 50 जने से साढ़े को खतरा हो सकता असी उन्होंने पूछा भी जोड़ा इतने दफा 44 लाई हुई है जो चाहते दफा 44 ला लेंगे जो चाहते उन्होंने खोल देंगे ये कहदी डेमोक्रेसी है हर थान से गुंडागर्दी है इतने भी जोड़ा गुंडागर्दी हो रही है MLA खतरा की वोटा मंगन भी तो आना फिर साडिया वोटा ना बनया हुआ हूँ तो साड़ी हाजरी से कहना 36,000 वोट तुम्हें पाई है शर्मना की कोई चीज़ नहीं है साढ़े जोड़े 8 किसान शहीद होंगे है जो साडा होंगे तो जोड़ा है इतने आके जोड़ा है 2 मिनट लिए गोड नहीं लाता साढ़े को आके बैठ के जाता की लगता 117 के 17 MLA जोड़े कहें असं हमैती हाँ अज जरूर असी के धरने पर बहुत थोड़े कोई जोड़ा है साडा हमैती नहीं है सारे जोड़े है 2022 दोणों अपनी अख रख के बैठे हैं और बकायदा जोड़ा है वो जोड़ा है वह अपना एक चाला चल रहे हैं असी उन्होंने मना किया भी साढ़े पिंड बढ़ो ना अंगद सिंह होनी जोड़ा है डांडे मिंडे रस्ते जोड़ा है चोरों की तरह जोड़ा है चेक वंट के आ जाते हैं
जे जिहड़ा हैगा हिम्मत हैगी है तां सानू दस के जावे जिहड़ा हैगा वी फलाणे थावां चैक मंडण चलिया असीं जिहड़ा हैगा उहनूं घेर के दिखाईए। एक लास्ट सवाल लाऊंगा मीडिया दे उत्ते, शाहरुख खान दे मुंडे कोल नशा बरामद होया, थोड़ा बहुता क्रूज़ ते घूम रहा सी 10 ग्राम जां पता नहीं किन्ना, हले पूरी डिटेल नहीं मैं पढ़ी, रिपोर्ट पढ़ रहा सी, उहनूं बहुत वड्डा इशू बना दित्ता है, हुण पूरे मीडिया 'च चल रहा है। लेकिन अडानी दे जिहड़ा ते क्रूज़ उहदे पॉट दे उत्ते जहाज दे उत्ते 3000 किलो जिहड़ा हीरोइन मिली सी 21,000 करोड़ दी कीमत दसी जांदी है, उहते कोई न्यूज़ नहीं है। असीं तां पहलां कहिंदे आ बड़े लंबे समें तों वी इह बीजेपी दी सरकार ही नहीं, इह कारपोरेटां दी सरकार है। अडानी अंबानी दे सिर दे उत्ते खड़ी है और नशियां दा जिहड़ा वड्डे पद्धर ते उह व्यापार कर रहे आ, उहदे विच्चों अरबां रुपये खरबां रुपये कमा रहे आ, जिहदे विच्चों उह फंड दे तौर ते जिहड़ा हैगा मोदी नूं दिंदे आ, शरेआम लाउंदे आ इह जिहड़ा इल्जाम उहदे उत्ते, और इहनूं चिठला के दिखावे वी उहने अरबां रुपयां दे जिहड़ा हैगा फंड अपनी पार्टी लई अडानियां कोलों अंबानियां कोलों नहीं लए, और जे जिहड़ा 21,000 करोड़ रुपए दी उहने जिहड़ा हैरोइन एक वारी फड़ी गई आ उहदे जिहड़ा एयरपोर्ट सीपोर्ट तों, तो उत्थे पता नहीं किन्ने हज़ार करोड़ की किन्ने लख करोड़ की जिहड़ा हैगा हैरोइन जिहड़ी हैगी पहलां उहने बेची होएगी, उहदी इनकुआरी करनी बनती है, सिटिंग जज कोल उहदी गिरफ्तारी होनी चाहिए तुरंत। ਹੁਣ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਫਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰੂਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਫਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ MLA ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਕਿ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬਰ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗਾਂ? ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਪੜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਪੜੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ।